top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. और उसके खिलाफ 164 में महिला का दुर्व्यवहार का बयान दर्ज हुआ है, जिसके कारण उस पर जो धाराएं लगी वो नॉन अवेलेबल है। वो एक प्रकार का, जब से निर्भया हत्याकांड हुआ है, निर्भया बलात्कार कांड हुआ है, तब से ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुजरिमों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। हमारा कहना है कि कार्रवाई देरी से हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बहाना है, गिरफ्तारी से बचने का एक तरीका था, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप कैमरे का डर दिखाकर कानून को उल्लंघन करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि अगर आप महिला के साथ छेड़खानी करेंगे, अगर आप किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मारेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और फिर कैमरों के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, तो जिससे कि आप कानून का उल्लंघन कर सके, कानून आपका कुछ बिगाड़े ना, आपको गिरफ्तार ना किया जाए? ये ओछी हरकत की है आम आदमी पार्टी के विधायक ने और आम आदमी पार्टी के लोगों ने। बड़ी साजिश थी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद की, जिन्होंने 5 ट्वीट किए, झूठे 5 ट्वीट किए और ये कहा कि हमारे 14 बिल, वास्तविकता 14 बिलों की नहीं है, वास्तविकता तो जो बौखलाहट है वो विधायकों की 4 गुना जो सैलरी करनी है, जो अपनी सैलरी बढ़ानी है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से ज्यादा करनी है, बौखलाहट है उन बिलों को लेकर। और चूंकि वो बिल विधिवत रूप से जून 2015 में सदन में पेश नहीं किए गए थे, वो बिल प्रॉपर व्यवस्था से सदन में नहीं आए थे और उसके बाद जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं अब ये बिल विधिवत तरीके से लाऊंगा। साथियों, वो बिल वास्तविकता में नियम और कानून का पालन ना करने के कारण रुके हैं, लेकिन क्योंकि ये बौखलाहट है वेतन बढ़ाने की, विधायकों को कई कई लाख रुपए देना चाहते हैं, खुद कई कई लाख रुपए लेना चाहते हैं, सरकारी खजाने से अपना स्वयं का भला करना है और वो बिल इनकी अपनी तनख्वाह के हैं जिसके कारण वो इतना बौखलाए हुए हैं। इस झूठ को फैलाने में सबसे अग्रणीय भूमिका दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या स्टेटस है? स्टेटस मैंने बताया आपको। देखिए, स्टेटस जो सैलरी के बिल है वो इन्होंने दोबारा भेजे, सैलरी के बिल इनके पास आए थे, इन्होंने दोबारा भेजे, उस पर कोई क्वेरी आई थी वो भी 1.5 महीने पहले, उस क्वेरी का इन्होंने जवाब नहीं दिया। सैलरी के बिलों, इनको असली जो समस्या है वो सैलरी बढ़ाने को लेकर के है, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया।